30 सेंटीमीटर की दीवार बनानी है आपको एल शेप में, यानी कॉर्नर शेप में। इसका आपको प्लान बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले सबसे पहले हमें स्केल मानना है। यहाँ पे मैंने स्केल मान लिया है 1:20 का। अब जो ईंट की हमारा साइज होता है विद मोर्टार वो होता है आपका 20x10x10। तो हमने क्या किया, इस स्केल के अकॉर्डिंग सभी डायमेंशन को चेंज कर लिया। अगर हमने जो 20 सेंटीमीटर वाली जो हमारी साइड थी ब्रिक की, वो हमारी स्केल के अकॉर्डिंग आ रही है 1 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर वाली साइड आ रही है हमारी 0.5 सेंटीमीटर की, और उसको हमने चेंज कर लिया mm में। और उसके बाद में आप जब क्वीन क्लोजर लगाएंगे तो जो क्वीन क्लोजर हो जाता है हमारा 5 सेंटीमीटर की मोटाई का, चौड़ाई का, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसके भी हमने कन्वर्ट कर लिया तो ये आता है हमारा 2.5 mm का। अब स्टार्ट करते हैं बनाना कैसे है। सबसे पहले आप इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड है उसको बनाइए। आपने क्या किया, इस तरीके से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए थोड़ी सी लंबाई में। अब सामने से देखने पर हमें क्या दिखेगा, हेडर। तो हेडर के लिए जो इसकी ये वाली साइड आएगी वो हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर की, यानी 1 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर यहाँ से तो मैंने लाइन खींच ली, इसी को आप आगे बढ़ा दीजिए। अब इस साइड से देखने पर हेडर दिखाई देगा। तो हेडर हमारा कितने का है, 10 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा हमारा 5 mm। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 mm पे एक पॉइंट लगा लीजिए इस तरीके से। अब हेडर लगाने के बाद क्वीन क्लोजर लगा दीजिए। क्वीन क्लोजर है हमारा 5 सेंटीमीटर का, स्केल के अकॉर्डिंग आ गया है 2.5 mm का। यहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर लाइन खींच दीजिए। अब हेडर 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 हर दे में आप 5-5 mm की दूरी पर इस तरीके से हेडर हेडर लगाते जाइए। अब क्या करना है, ये वाली साइड आपको वर्टिकल लेके जानी है इस तरीके से। अब इस वाली साइड को भी ऊपर लेके जाइए। जब इधर से देखने पर हमें हेडर दिखाई दे रहा है तो इधर से देखने पर हमें क्या दिखाई देगा, स्ट्रेचर। ये वाली साइड हमें हेडर बनानी है, ये वाली स्ट्रेचर बनानी है। अब ये तो हमारी केवल 20 सेंटीमीटर की मोटाई की दीवार आ गई। अब हमें 10 सेंटीमीटर और चाहिए, तो क्या करना है, यानी इसमें 5 mm आपने इधर ले लिया और इसी लाइन को आगे इस तरीके से बढ़ा दिया। और जो क्वीन क्लोजर यहाँ पे लगा हुआ बराबर इसकी इसी में, यहाँ पर एक और हमारा क्लोजर लग जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पे जो हमारी टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो इसकी मोटाई हो गई, यहाँ ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा देंगे, ये हो गई हमारी 30 सेंटीमीटर की। यानी 300 mm की। अब जब इधर से देखने पर हमें हेडर दिखा था, ठीक है, तो ये अंदर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रेचर। और स्ट्रेचर का साइज कितना है, 1 सेंटीमीटर का। तो 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप इस तरीके से लाइन बना दीजिए। अब देखिए इस साइड से देखने पर हमें क्या दिखेगा, स्ट्रेचर। तो आपको 10-10 सेंटीमीटर की, यानी 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर, और स्केल के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरीके से पॉइंट लगा देने। पहले आप पॉइंट लगा लीजिए, उसके बाद में इनको ड्रॉ कर दीजिए। इधर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, और ये भी आपका स्ट्रेचर हो जाएगा। अब ये तो केवल आपकी यहां से यहां तक की कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अब आपको 20 सेंटीमीटर और चाहिए 30 सेंटीमीटर बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, यहां से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या लगाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाला पोर्शन आप यहीं रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ब्रेक लाइन दिखा देंगे इस तरीके से। अब इस साइड में जो रद्दे लगे होंगे, इधर स्ट्रेचर लगाए तो इधर हेडर लगे होंगे अंदर की साइड में। हेडर कितने का हमारा, 5-5 mm का। तो 5-5 mm की दूरी पर आप इस तरीके से
लाइन बना दीजिए। तो ये वाला जो बना है ये आपका प्लान, ये आपका पहले रद्दे के लिए, तीसरे रद्दे के लिए, पांचवें रद्दे के लिए, सातवें रद्दे के लिए, इस तरीके से विषम जितने भी होंगे उन सभी रद्दों के लिए हमारा प्लान है। इधर भी 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की मोटाई आ जाएगी दीवार की। ये आपका क्वीन क्लोजर, यहां लिख देंगे क्वीन क्लोजर। अब इसका अगला रद्दा बनाएंगे, दूसरा, चौथा, छठा। अब क्या करेंगे, ये जो साइड हमारी है, ये वाली जो हॉरिजेंटल है, इसको आप वर्टिकल ले जाओ, और जो वर्टिकल है उसको आप हॉरिजेंटल ले आओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस तरीके से दो लाइनें खींच लीजिए, पहले 20 सेंटीमीटर की मोटाई के लिए लाइन खींचिए इस तरीके से। यहां पे अब क्या करना है आपको, ये हमने पॉइंट लगा। अब देखिए, इधर से देखने पर हमें क्या दिख रहा था, स्ट्रेचर। तो इधर से देखने, दूसरे रद्दे में इधर से देखने पर क्या दिखेगा, हेडर। अब हेडर का जो साइज है वो कितने का, 5 mm का। तो 5 mm का आप पॉइंट लगाइए। फिर जैसे आपने यहाँ पे 5 mm के बाद में क्वीन क्लोजर लगाया था, यहाँ भी आप क्या कीजिए, क्वीन क्लोजर लगाइए। 45 डिग्री एंगल पर लाइन खींच दीजिए। अब देखिए, हेडर हेडर हेडर, अब आपके सभी 5-5 mm की दूरी पर हेडर लगे हुए थे, तो यहाँ भी आप क्या करिए, 5-5 mm की दूरी पर हेडर लगा दीजिए। इस तरीके से यहाँ ब्रेक लाइन आ जाएगी हमारी। अब देखिए, अभी तो यहाँ तक की जो जो मोटाई है हमारी वो कितनी रहेगी, 20 सेंटीमीटर की। हमें चाहिए दीवार 30 सेंटीमीटर की, तो क्या करना पड़ेगा, इधर हमें 10 और लेना पड़ेगा। तो 10 के लिए क्या करना है, जैसे आपने ये वाली साइड आगे बढ़ाई थी 10 सेंटीमीटर, ये वाली साइड को आप क्या कीजिए, 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दीजिए, यानी 5 mm इस तरीके से। अब इसको बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे आपका ब्रेक लाइन का सिंबल आ जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद में ये वाली जो साइड है सीधी चली जाएगी आपकी, यहां भी आप 45 डिग्री पर लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद में इधर आपका लगा हुआ है हेडर, तो इस साइड में क्या लगा हुआ आपका, अंदर की साइड में स्ट्रेचर। तो और स्ट्रेचर का साइज कितना, 1 सेंटीमीटर का। तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इस साइड में लाइन खींच दीजिए। अब इधर से देखने पर हमें क्या दिखेगा, अब देखिए यहाँ पे पहले रद्दे में इधर से देखने पर हमें दिख रहा था हेडर, तो इधर से देखने पर क्या दिखेगा, स्ट्रेचर। तो आपको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप स्ट्रेचर वाले पॉइंट लगा लीजिए। इस तरीके से आपने पॉइंट लगा लिए। अब जब ये वाली चौड़ाई हमारी 10 सेंटीमीटर की हो गई, तो अब हमें कितना हो चाहिए, 20 सेंटीमीटर। जैसे आपने यहाँ पे किया था 20 सेंटीमीटर के लिए, सेम वैसा ही करना है। यहां से आप 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, यानी आपका 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट यहां आ रहा है। तो यहां पे आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, जितना आगे बढ़ाना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे ब्रेक लाइन दिखा दीजिए। अब देखिए इस साइड में क्या लगा हो, इधर से आप सामने से देखने पर आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर, ठीक है। यहाँ भी आप 1 सेंटीमीटर पॉइंट लगा लिए। तो इस साइड में, अंदर साइड में क्या देखिएगा, हेडर। हेडर के लिए आपको कितना छोड़ना है, 5-5 mm की डिस्टेंस छोड़नी है, और 5-5 mm की डिस्टेंस छोड़ने के बाद में आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से तो ये बन गया आपका दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इस तरीके से जितने भी आपके सम रद्दे आएंगे उनके लिए ये वाला प्लान रहेगा, और जो पहला तीसरा पांचवा सातवां रद्दा है उसके लिए ये प्लान रहेगा। अब देखिए इसके एलिवेशन की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ से दीवार हमारी स्टार्ट होती है, और इस साइड में दीवार हमारी कितनी भी लंबाई तक जा रही है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा देंगे यहाँ पर।
ऐसे इस साइड में आपको क्या करना है, ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा रही हूँ, ये तो हमारा प्लान था। अब देखिए बना रहे हैं हम एलिवेशन, एलिवेशन में क्या होगा, जब आपको सामने से देखने पर क्या दिख रहा है वो होगा हमारा एलिवेशन। जब आप सामने से देखोगे तो यहाँ पे सभी जो रद्दे होंगे उनकी मोटाई कितनी होगी, 10-10 सेंटीमीटर की, यानी 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कितना गया, 5-5 mm। तो 5-5 mm की दूरी पर आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए, अब पहले वाले रद्दे को लीजिए, यहां से देखने पर जब आप इस डायरेक्शन से इस तरीके से देखोगे सामने की तरफ तो आपको क्या दिख रहा है, हेडर। पहले वाले रद्दे में आपको क्या दिखेगा, हेडर, वो कितने का होगा, 5-5 mm का आपने हेडर बना दिया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ होगा, पहले में, तीसरे में, पांचवें में, सातवें में, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, पहला रद्दा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो देखिए पहले रद्दे में, तीसरे रद्दे में, पांचवें में, सातवें में, या क्या हेडर। फिर क्या दिखेगा आपको सामने देखेंगे, क्वीन क्लोजर, तो ये आपका क्वीन क्लोजर भी सब में आपने, अब देखिए अब जितने भी रद्दे आपको दिखेंगे सब हेडर हेडर दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, 5-5 mm की दूरी पर इस तरीके से आपको हेडर हेडर सभी में बना देना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है एलिवेशन, लेकिन आप अगर बनाना चाहें तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आप बना सकते हैं इसको। यहाँ पे मैंने ये वाली इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा ले ली है, ज़रूरी नहीं है आप इतनी लंबाई लें, कम भी ले सकते हैं, केवल आपको एग्जाम में समझाना है। आप जितनी लंबी दीवार लेंगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप छोटी ही दीवार लें। अब देखिए, अब आप दूसरे में, चौथे में, छठे में, रद्दे में देखिए, जब आप इधर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, यानी इस रद्दे में आपको दूसरे चौथे छठे में आपको पूरा पूरा स्ट्रेचर दिखाई देगा, और स्ट्रेचर की लंबाई कितनी है आपकी, 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, दूसरे में, चौथे में, छठे में, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लीजिए, आपका यहाँ रहा, 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप इस तरीके से दूसरे में, चौथे में और छठे में इस तरीके से आप 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पहले आप पॉइंट लगा दीजिए। इस तरीके से आप बनाते जाइए इसको। इस तरीके से एक एक सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप उसको बनाते जाइए पैमाने से नापने के बाद। इस तरीके से आपका ये एलिवेशन बनके तैयार हो जाएगा, ये हेडर हेडर हेडर। इधर आपका स्ट्रेचर स्ट्रेचर, इस तरीके से फिर हेडर फिर हेडर फिर हेडर, और ये आपका क्वीन क्लोज। इस तरीके से आपका प्लान और एलिवेशन बनके तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 40 सेंटीमीटर वाली दीवार के लिए बनाना है।